नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैंने बीएससी और प्रशिक्षण कोर्स में 2 वर्षीय कोर्स बीटीसी किया है। मेरी नियुक्ति 68,500 वाले बैच में सितंबर 2018 में हुई थी। मैं वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बसावनपुर ब्लॉक फरीदपुर बरेली में कार्यरत हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बरेली की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे बरेली का सुरमा, बरेली का झुमका, बरेली का माजा और बरेली के बांस का काम। लॉकडाउन में हमारी जिला अधिकारी महोदय द्वारा बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए एक ऑनलाइन हुनर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डांसिंग, क्राफ्ट, सिंगिंग जैसी कई प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था तो मैंने देखा कि बच्चे विद्यालय मतलब सही तरीके से विद्यालय नहीं आ रहे थे और विद्यालय आने में रुचि नहीं ले रहे थे। तो मैंने बच्चों से बहुत अच्छे से बात की। मैंने देखा कि बच्चे शिक्षकों से बात करने में संकोच कर रहे थे, वो डर रहे थे। मैंने बच्चों से बहुत अच्छे से बात की, उसी परिवेश में उसी के अकॉर्डिंग बात की जिस अकॉर्डिंग बच्चे बात करना चाह रहे थे। मैंने उनसे उनकी घरेलू बातें पूछी, उनको खुद से जोड़ने के लिए बहुत अच्छे से बात की। इसी क्रम में मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाए गए ZIIEI प्रोग्राम द्वारा इनोवेटिव पाठशाला में नवाचार और अनुभवात्मक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातों का पता चला। मैंने अपने मोबाइल में ZIIEI ऐप डाउनलोड किया, तब मैंने देखा कि इस ऐप में बहुत सारे ग्रिड गेम, माइंड मैपिंग वर्कशीट, एक्सरसाइज, गतिविधि आधारित शिक्षण, कई सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, हम शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा फिर मैंने बच्चों के साथ कई सारी गतिविधियाँ की और कई सारे नवाचार मैंने अपने विद्यालय में किए। इस समय लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने कई जो बच्चे हमारे कक्षा 5 के थे, पढ़ने में बहुत अच्छे, तो मैंने उन बच्चों को बुलाया एक दो को। फिर मैंने उन्हें वर्कशीट्स दी ताकि और उन बच्चों से कहा कि कम से कम वो अपने आसपास के 10 या 5 बच्चों को इकट्ठा करके शाम को उन वर्कशीट्स पर कार्य करवाएं और वो वर्कशीट हम तक पहुंचा दें। तो वो बच्चे हमारे लगातार निरंतर ये कार्य कर रहे हैं और वो वर्कशीट्स पर कार्य करा के हमारी वर्कशीट्स हमें दे जाते हैं। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं मतलब उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी आधी समस्याओं को सॉल्व कर दिया। श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़े हुए दीपक सर और विवेक भारद्वाज सर, जो हमेशा हम शिक्षक की मदद करने को तैयार रहते हैं, कभी भी किसी भी टाइम जब भी मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो उन्होंने हमारी हेल्प की। और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है, जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स पर चर्चा होती है, बहुत अच्छे से बिल्कुल मतलब चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से समझाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ते हुए, और थैंक्स।